जीटी न्यूज झारखंड में मैं इंदु कुमारी ले चलती हूं आपको खबरों की दुनिया में। बिरसा ट्राइबल स्कूल कासिया बेड़ा गुड़ा बांधा में जल शक्ति अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान स्कूल के संचालक बुद्धेश्वर मार्डी एवं रंगलाल महतो ने उपस्थित सभी लोगों को जल संचय की जानकारी देते हुए घर घर में एक पौधा लगाने की अपील की। मौके पर अशोक दास, रमन बेलदार, मंटू नायक समेत अन्य लोग उपस्थित थे। चाईबासा में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कार्यालय में जिला पदाधिकारियों की एक बैठक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर युवा मोर्चा का सांगठनिक विस्तार करने का दिशा निर्देश दिया गया। चाईबासा अंतर्गत सारंडा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गुआ से बड़जामदा मुख्य सड़क निर्माण कार्य का आज शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीप सदस्य शंभू हाजरा ने किया और बताया कि इस सड़क के निर्माण से लोगों की परेशानी दूर होगी। साहिबगंज में कुछ युवकों द्वारा स्कूली छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले को लेकर आज शहर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा शहर को बंद करवाया। इस मामले में आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। आप जानते हैं कि कल कुछ घटना घटी थी शहर के अंदर में। घटना से यहाँ की जनता दुखी है, काफ़ी दुखी है, गर्माहट है। उसी के आक्रोश में कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं ये रोड पर चढ़ गए हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए साहेबगंज एक ऐसा जगह है जो इस राज्य का सबसे शांतिप्रिय जगह है। शांतिप्रिय जगह में, शांतिप्रिय जिला में इसका नाम आता है। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। इन लोगों से मैंने अभी बात किया है, मैंने बोला है जो व्यक्ति इस घटना में शामिल है उसे दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो व्यक्ति के और नाम होने की चर्चा है, उसका नाम हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों पुलिस की रडार पर है और वो दोनों व्यक्ति 72 घंटे के अंदर में पुलिस के कस्टडी में रहेगा या जेल में रहेगा। शेष जितनी प्रक्रिया है हम लोग 30 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, जांचशीट करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीन ट्रायल करके इस केस में सही को हम लोग कनेक्शन कराएंगे। ये हम पुलिस की जो प्रक्रिया है, न्यू ऑफ आइस बनाना, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उसका मेडिकल करना, प्लस और ही जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसको अपना करके वो 1 घंटा के अंदर वो जेल चलेगा। वहीं इस घटना से गुस्सा हिंदू धर्म रक्षा मंच ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान मंच के अध्यक्ष श्री संत कुमार ने कहा कि जिस स्कूली बच्चे के साथ यह घटना घटी वह हिंदू बच्ची थी और जिन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वह मुस्लिम समुदाय के जिहादी मानसिकता वाले दुष्ट लोग हैं। वैसे लोगों की हिम्मत के कारण ही तरह तरह की घटनाएं सामने आती है। मंच के सह प्रभारी ने कहा कि प्रशासन ऐसी घटना को होने से रोके, अन्यथा मंच जोरदार आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होगा। गैंगरेप हुआ है, बलात्कारियों को हम सभी से आग्रह है, हम सभी चाहते हैं उन बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी का सजा हो, जितने जल्द हो हम चाहते हैं उनका फांसी। ऐसा घिनौना बर्ताव किया है जो कि आप लोगों के सामने रख पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, जो कि आज तक साहेबगंज जिला में हम अपनी बच्ची को स्वतंत्र रूप से स्कूल भेजते थे ताकि कहीं ऐसा कुछ और हो।